वेलकम बैक टू आवर चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो ये वाला एक बहुत अच्छा सा DIY है जिसको आप घर पे बैठ करके अपने घर के सामान से बना सकते हैं। आपको अलग से कोई सामान लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली ये वाला DIY हम काफी टाइम से करना चाहते थे, लाइक 2 ईयर्स से करना चाहते थे, बट पता नहीं क्यों वो डिले होता गया। अभी क्योंकि लॉकडाउन है, सब फ्री है घर पे, सैटरडे संडे जनरली बहुत फ्री रहते हैं, तो हमने इस सैटरडे संडे डिसाइड किया था ये बनाने का। तो बेसिकली जो बेस पार्ट है वो पूरा विकी ने किया है, उसके बाद का जो भी डिजाइनिंग है, हम दोनों ने हमारा 50-50 उसमें दिया है और वो बिल्कुल बन करके 100% तरीके से आया है। वो बहुत सुंदर लग रहा है घर पे दिखने में। तो अगर आप इसको बनाते हैं, ट्राई करते हैं, तो प्लीज टैग अस ऑन Instagram, मेरे Instagram हैंडल पे आप टैग कर सकते हैं। मैं जरूर उसको रीशेयर करूंगी, रीपोस्ट करूंगी। एंड यस, विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली चीज़ जो मैंने यूज़ करी है वो है ये बकेट। तो आप यहाँ पर कोई भी टब यूज़ कर सकते हैं, या जो पेंट की बकेट होती है वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी बकेट आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट बेस है इसका, इसको हम कट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, जैसे ये मोटा पार्ट होता है, हमने यहाँ पर कैंडल से गर्म करके इसको कटिंग किया है एंड देन फिर सीजर से कट कर दिया है। तो ऐसा कट करने में ये काफ़ी ईजिली कट हो गई थी, ईजिली तो नहीं हुआ था, टाइम लगा था, बट हाँ ईजिली कट हो चुकी थी। आप सीजर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप कैंडल से गर्म करके नाइफ को कट कर सकते हैं। तो ये हमने एक बेस हमारा रेडी कर लिया है। मेन इंग्रेडिएंट्स इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको ब्लैक कलर का सीमेंट चाहिए होगा, वाटर पम्प चाहिए रहेगा, और उसके बाद कुछ पुराने डब्बे वब्बे जो भी आपके पास हैं, बॉटल्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाटर पम्प है जिसमें मैं इस तरह का एक पाइप यूज़ कर रही हूँ। जनरली वाटर पम्प्स कम विद देयर ओन नोजल, बट हमारा जो नोजल है वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया था, ये बहुत पुराना वाटर पम्प है। तो हमने यहाँ पर एक पाइप फिट कर दिया है जिसके ऊपर मैंने MCL से इसको सिक्योर कर दिया। अब आते हैं ये जो फूड आइटम्स आते हैं बाहर से, उसका एक बॉक्स है जिसको मैं बीच में से कट कर रही हूँ। और ये जो बॉटल है, ये कम्फर्ट फैब्रिक जो होता है, फैब्रिक जो हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं, वो उसकी बॉटल है जिसको हमने खाली किया है और उसके अंदर इस तरह से फिक्स कर दिया है। नाउ नीचे की साइड में अब हम यहाँ पे होल कर रहे हैं, और ये जो वाटर पम्प का पाइप है वो हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। इसके अलावा हम कोई भी पाइप इस पूरे वाटर फाउंटेन में यूज़ नहीं करने वाले हैं। ऊपर का जो कैप था इस कम्फर्ट की बॉटल का, उसमें हमने होल कर दिया है। तो ये जो फूड पैकेजिंग वाला बॉक्स था जिसमें हमने होल किया था, उसको हमने अंदर फिट कर दिया और उसके ऊपर कंफर्ट की बॉटल का कैप बंद कर दिया है, और ऊपर से भी उसमें होल है। अब हम इस पूरे को मॉडल को टेस्ट करके देखेंगे। अब रीज़न ये है कि हमने इसमें पाइप क्यों नहीं यूज़ किया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वॉट की मोटर थी, पावर काफ़ी ज़्यादा था, तो हमने वाटर के फोर्स को कंट्रोल करने के लिए साइड से हॉरिजॉन्टल तरीके से इसके अंदर फिट किया है, ताकि पानी जो है वो प्रेशर से साइड में जा करके ऊपर आ जाए। अब जब हमको ये पता चल गया है कि हमारा जो मॉडल है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो अब हम इसको सील डाउन करेंगे। तो मैं यहाँ पर MCL लगा रही हूँ, जो जो भी इसके जॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ से भी मुझे लगता है कि पानी लीक हो सकता है, उन सब जगहों पर मैंने MCL से इसको पैक कर दिया है। अब दूसरा एक और इसी तरीके का हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो ये हमने मेडिसिनल जो दवाई होती है उसका खाली हमारे पास एक बॉटल पड़ा हुआ था, उस बॉटल को अगेन हमने ये जो फूड पैकेजिंग वाला जो बॉक्स होता है उसको लगाया है। बट ये हमारे पास एक ही था और ये ऑलमोस्ट नीचे से टूट गया था अंदर फिट करते टाइम, क्योंकि काफ़ी पुराना बॉक्स था, पुराना प्लास्टिक हो जाता है तो जल्दी टूट जा रहा है, तो उसको भी मैंने पूरी तरह से MCL से पैक कर दिया है। नाउ ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं, ये एक तरह का स्टोरेज बॉक्स है। अब इसको भी हम लोग कट कर रहे हैं मोटर के ऊपर एक कवर बनाने के लिए, क्योंकि मोटर दिखेगी अच्छी नहीं लगेगी, तो हम उसी के शेप का साइज का कट कर रहे हैं। पहले हमने काफ़ी सारे बॉक्सेस देखे घर में से कि कौन सा बॉक्स इसके अंदर कट आएगा, देन यहाँ पर हमने पीछे एक होल कर दिया है ताकि वो जो वायर है वो अंदर से निकल जाए। अब ये देखिए ये कट हो चुका है एंड ये इस तरह से फिट हो गया है परफेक्टली। तो ये हमारा जो बेस मॉडल है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू हमारे जैसा ही है। नाउ पानी किस किस तरीके से फ्लो होगा वो हमने एक बनाया है, मतलब ऊपर से नीचे इस वाले बॉक्स में आएगा एंड देन जो दवाई वाला बॉक्स है उसमें आएगा एंड देन वहाँ से नीचे फ्लो होगा। अब इसको कवर करने के लिए, जब विकी का फ्रैक्चर हुआ था तो हमारे पास प्लास्टर बांधने का ये वाला बैंडेज था, पेपर बैंडेज इसको बोलते हैं, पेपर टेप है ये। तो ये पेपर टेप हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है इसको सील डाउन करने के लिए। पेपर टेप यूज़ करने का एक रीज़न ये है कि पेपर के ऊपर अभी हम जो उसके बाद की प्रोसेस करने वाले हैं वो अच्छी तरीके से स्टिक होती है, तो पेपर टेप हमने लगा दिया है। नाउ
इस बॉटल के नीचे हमने डबल टेप लगाया है बिकॉज ये बॉटल का जो बेस है ये काफ़ी ऊपर नीचे था और ये बार बार हिल रहा था, तो उसको सिक्योर करने के लिए हमने यहाँ पर डबल टेप लगा लिया है। एंड अब हम पूरी तरह से पेपर टेप लगाएंगे, इसके कॉर्नर्स पे भी हम पेपर टेप लगाएंगे ताकि हाथ में लगे ना और वो जो काफ़ी नुकीला सा पार्ट है वो ख़त्म हो जाए इसका। ये कुछ अब इस तरह से दिख रहा है, जो हमारा मेन मॉडल है वो रेडी हो चुका है। अब आते हैं इसके ऊपर, अब हमको सीमेंट लगाना है। हमने यहाँ पर सीमेंट को मिक्स कर लिया है। अब हम एक पुराना कपड़ा लेंगे, उसको रेक्टेंगल शेप्स में कट करेंगे। 7 to 8 हमने कपड़ा लिया है, छोटा छोटा पतला पतला कट करना है। नाउ अब हमको जहाँ जहाँ पर भी वाटर का फ्लो चाहिए उस जगह पर हम कट लगाएंगे, क्योंकि अब हम सीमेंट यूज़ करने वाले हैं तो ये आपका फाइनल बेस है। जिस तरह से सीमेंट लग जाएगा वैसे ही आपका बेस बन जाएगा। नाउ यहाँ पर अब हम लोगों ने ये जो कपड़े के पीसेस काटे हुए थे इसको हम यूज़ करेंगे सीमेंट में, अंदर पूरा डुबो डुबो करके लगाएंगे बिकॉज आप डायरेक्टली सीमेंट इस पर नहीं लगा पाओगे। यहाँ पर हम सीमेंट के साथ कपड़ा इसलिए लगा रहे हैं, एक तो फर्स्ट पॉइंट तो ये कि हम इसको स्ट्रक्चर देने के लिए लगा रहे हैं, एंड दूसरा पॉइंट ये है कि सीमेंट सूखने के बाद टूटने के चांसेस एंड बिखरने के चांसेस हो सकते थे क्योंकि हम काफ़ी पतला सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो कपड़ा उसको होल्ड करके रखेगा। तो अब हम शेप देते जाएंगे कपड़े को, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही सीमेंट सूख जाएगा उस तरह से ही पूरा बन जाएगा। तो नाउ अब हम इसको शेप देंगे, जिस तरह का भी नीचे शेप है उस शेप में कपड़े को मोल्ड करके लगाते जाएंगे। तो आपके पास जो भी घर में आइटम्स हैं आप उससे बना सकते हैं, जो भी वेस्ट चीज़ें हैं आप उसके साथ बना सकते हैं। ये जो हम लोगों ने क्रिएट किया है ये हमारी खुद की क्रिएटिविटी है, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप इसको ट्राई करें तो हम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को देखने में। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये 300 रुपीज़ से भी कम में हमारे पास बन गया था। 150 रुपीज़ का वाटर पंप आया था, 60 रुपीज़ के सीमेंट का पैकेट आया था, ये दोनों हमारे पास पहले से था। एंड उसके साथ साथ ये बकेट वगैरह जो आप देख रहे हैं ये सब हमारे पास घर में ऑलरेडी अवेलेबल था, उससे बनाया। अब मैंने यहाँ पर बाउंड्री में एंड अंदर साइड काफ़ी पतला पतला सा सीमेंट लगाया है ताकि वो पूरा सेम टेक्स्चर का लगे, और मैं इसकी पूरी फिनिशिंग कर रही हूँ और क्लीन कर रही हूँ। लुक एट दिस, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नेचुरल कोई वॉल्केनो है या फिर नेचुरल जो माउंटेन्स होते हैं उस तरह का टेक्स्चर इसके अंदर आ चुका है। अब हम इसको ओवरनाइट ड्राई होने के लिए रहने देंगे, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में ये इस तरह से ड्राई हो चुका है, एंड जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था ये बिल्कुल वैसा ही बना है, एंड वी आर सो हैप्पी, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। अब बारी आती है इसको पेंट करने की, तो यहाँ पर मैंने ऑयल पेंट स्पेसिफिकली यूज़ किया है। पानी की कोई भी चीज़ में अगर पानी लगना है तो आप ऑयल पेंट यूज़ करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, तो उसमें मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया है। तो जहाँ पर थोड़ा सा शेडो वाला दिख रहा है वहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन यूज़ किया है, और थोड़ा थोड़ा सा जहाँ पर रोशनी ज़्यादा पड़ेगी मतलब धूप वाला पड़ेगा और जहाँ शेडो आएगी मैंने उस तरह का यू नो नेचुरल इफेक्ट देने के लिए थोड़ा डार्क लाइट यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैं चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पर भी मैं पानी मतलब जहाँ पर पानी भरने वाला है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ब्लू मैंने कलर्स दे दिए हैं, एंड थोड़ी सी ग्रीनरी शो करी है जो पहाड़ों पर होती है, थोड़ी थोड़ी सी ग्रासेस होती है। थोड़ा सा और नेचुरल और माउंटेनी इफेक्ट दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एमसील से ऊपर हल्का सा कवर कर रही हूँ, और उसकी जो बाउंड्री है वो अनइवन कर रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा क्लियर इफेक्ट नहीं होता है, एंड उसको ड्राई होने दूंगी और उस पर पेंट कर दूंगी। यहाँ पर मैं कुछ स्टोन्स है जिनको कलर कर रही हूँ एंड थोड़ा बहुत डेकोरेट कर रही हूँ। एंड अब बारी आती है हमारे फाइनल स्टेप्स की। यहाँ पर मैंने वाटर फिल इन कर दिया है, एक पुराना पेंट का कलर जो सूख चुका है उसको रखा है नीचे, एंड उसके ऊपर मैंने इस तरह से फेक फ्लावर्स और जो भी मेरे पुराने प्लांट्स थे उनको यूज़ कर रही हूँ मैं। फेक प्लांट्स हैं ये, आप चाहें तो रियल प्लांट्स भी लगा सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा उससे भी। एंड यहाँ पर जो स्टोन्स हैं उसको मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगी, एंड जो भी आपके पास है डेकोरेशन का सामान आप जितना आप क्रिएटिव होना चाहते हैं उतना क्रिएटिव हो सकते हैं, बट मुझे पूरा जंगल वाला इफेक्ट और नेचुरल चीज़ों का इफेक्ट चाहिए था। यहाँ पर मैंने साइड में कुछ प्लांट्स रख दिए हैं, एंड ये बहुत ही क्यूट सा DIY मैंने किया है जो कि कल आएगा मेरे चैनल पर, और ये हमारा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है, एंड आई एम टोटली लविंग इट। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये, एंड अब हम इसको ऑन करके देखेंगे कि ये कैसा इफेक्ट दे रहा है। If you like this video
kindly like, share and subscribe and comment down below as well. Also do not forget to try this at your home aur humko tag zarur kariyega. Instagram handle yahan par diya hua hai. So ab hum milte hain aapko hamare next video mein. Till then, bye. Bye.